जैसे रसूल खुदा की हर जंग में मौला अली सालार थे ना, मौला हुसैन के सालार है मौला अब्बास। मुझे उनकी शजाअत को पेश करना, इससे पहले कि शजाअत को पेश करूं, एक मौला के कई अलकाब हैं, मैं सारे अलकाब पेश करना चाह रहा था, वक्त गुजर गया, चार पांच अलकाब सुन लें, तफसीर पेश करना चाहता हूं। देखे खानदान बनी हाशिम, उनकी तीन चीजें मशहूर थी, सब में थी, तमाम बनी हाशिम, पहले खूबसूरती, बनी हाशिम सभी खूबसूरत थे, दूसरे उनकी शुजाअत, सब बहादुर थे, तीसरे उनकी सखावत, सब सखी थे, और बनु उमैया तीनों में बरअक्स, बदशकल भी थे, बखील भी थे, बुजदिल भी थे। अब नाम न कहलवाइएगा कौन कौन बनु उमैया में से था, भाई यजीद के बाप दादा रहे होंगे, चलते रहिएगा। तो जाने के रामी बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर थी, तमाम बनी हाशिम खूबसूरत थी, जहां सरवर कायनात गुजरते थे ना तो कुफार और मुशरिकीन सहाबा से रोक के पूछते थे ये कौन है, तो सहाबा कहते थे कि हमारे रसूल है, तो काफिर और मुशरिक कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता कोई आसमान से उतरा फरिश्ता है। काफिर थे मुशरिक थे लेकिन मानते थे ये हम जैसे नहीं है। चलते रहिएगा, बेतहा खूबसूरत सरवरे कायनात हबीब खुदा, बहुत खूबसूरत, और वो रसूल खुदा जब जनाबे मौलाए कायनात को देखते थे ना तो आप फरमाते थे या अली अंता का बदर दुजा, या अली आपका चेहरा चौदहवीं के चांद जैसा, तवज्जो, रसूल खुदा फरमाते या अली आपका चेहरा, अरबों में जब मिसाल देनी होती है ना कि बहुत खूबसूरत है तो कहते हैं चौदहवीं का चांद, चौदहवीं का चांद फुल मून पूरा चांद होता, पहली का होता हिलाल, तवज्जो, चौदहवीं का चांद। अब अगर कभी आप सुने ना कि मौला अली का कद छोटा था, पेट निकला हुआ था, बाजू पतले थे, आंखें धसी हुई थी, तो समझ जाएं बनू उमैया के जरखरीद दरबारी मुल्लाओं का कलम। तो मौलाए कायनात बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, जुमला कह दूं मैं, मुझे इन आंखों से कहीं और ले जाना, मौला अली की आंखों से कहीं आपको और लेके जाऊंगा। तो मौला अली की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत खूबसूरत आंखें थी, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मौला जब जंग करते थे ना तो अपना अमामे से तहतुल हनक निकालते और चेहरे को ढांप लेते, सिर्फ आंखें नजर आती थी। तवज्जो, जब मौला दांत भींचते थे ना और जुल्फिकार खींचते थे तो आंखें सुर्ख हो जाती थी, बड़े बड़े सूरमा का पिता पानी हो जाता था। मौला दुश्मन को आंखों ही से खा जाते थे, अगर पहुंच गए हो, जब शेर आता है ना तो बकरियों में ताकत नहीं होती रुकना है।
मौला अमीर अलैहिस्सलाम की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी जैसे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। हम शक्ले पैगंबर थे। मौला अब्बास मौला अली की शबी थे। मौला अब्बास की आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी, वही तो जनाब अमीर की आंखें, वो मौला अब्बास में आंखें थी। तो जनाब अब्बास भी उसी तरह से तहतुल हनक निकालते थे, क्योंकि मौला अमीर तहतुल हनक निकालते। जनाब मालिक अश्तर ने पूछा था, मौला कि आप तहतुल हनक क्यों निकालते? कहा क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेज चलता, बड़े बड़े अफराद पूरी पूरी फौज आती है, मैं एक तलवार से सबको उठा के फेंकता हूं, धूल उड़ती है मुझे अजियत करती है, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब रखता हूं। कहा याली पर जब आप नकाब रखते हैं तो आपको अगर मैदान जंग में छोड़ के जाऊंगा तो कहां पाऊंगा? कहा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना दुश्मन से पीछे, जिसकी मौत आती है वो खुद ही आ जाता। मैं जुल्फकार का सदका, मैं जुल्फकार का सदका उतार देता। तो ऐजाने के नामी पेश कर रहा सिफीन की जंग है। जनाबे मालिक के अश्तर ने जनाबे मौलाए कायनात की खिदमत में अर्ज की, जो सिपा सालार थे, मौला खिजाब कर लीजिए। का मालिक क्यों? का मौला वो शाम वाले पहली मर्तबा आपके मुकाबले में लड़ने आ रहे हैं, जब वो देखेंगे ना अली बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी सफेद है, तो रोह खत्म हो जाएगा। तो मौला अगर खिताब कर ले तो बेहतर रहेगा, उन सब पे बस एक ही रोब है, कोई हैदर करार आ रहा। मौला ने एक मर्तबा जनाबे मालिक के अश्तर को देखा, कहा मालिक मुझे मैदान में उतर लेने दो, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर होता।